सी आई डोंट नो उनका क्या रिलेशन है, वो जो भी है वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है द वे दे टॉक टू ईच अदर, चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो प्यार वाला रिश्ता हो। जब वो बिग बॉस से बाहर आया था उसके बाद से लेके अब तक हम टच में है, सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बात करते हैं। चलो थैंक यू। पहले मैंने अपने पैर को फ्रैक्चर कर लिया था, आई एम स्टिल रिकवरिंग। मैं कहीं बाहर आती जाती नहीं हूँ, लेकिन प्रतीक का बर्थडे है, मैं किसी कीमत पर मिस नहीं कर सकती थी। बहुत मुश्किल से अपने आप को मैंने पुश किया है घर से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज इट इज़ प्रतीक बर्थडे। एंड आप में से कोई भी यकीन नहीं करेगा, मैं आज प्रतीक से पहली बार मिलूँगी। जब वो बिग बॉस से बाहर आया था उसके बाद से लेके अब तक हम टच में है, सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, बट मिलना कभी नहीं हो पाया। तो मुझे लगा इससे बेहतर और कोई मौका हो नहीं सकता प्रतीक से मिलने का। सो यस, मैं अपनी टूटी हुई टांग लेकर आ गई हूँ यहाँ पर, एंड आई विश हिम लॉट्स ऑफ लव, लॉट ऑफ सक्सेस। उसका जो पैशन है अपने काम को लेके, उसकी जो ऑनेस्टी अपने काम को लेके, वो मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक 10 साल पहले वाली काम्या मुझे प्रतीक में नज़र आती है। सो आई थिंक यही एक कनेक्शन है जो मेरे और प्रतीक के बीच में है और जो बहुत स्ट्रांग है, एंड आई कांट वेट टू गो इनसाइड एंड सी हिम एंड गिव हिम अ टाइट हग। यार ये प्रतीक का बर्थडे, आप शालिन और टीना को क्यों इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं? ये कहा था जो भी बहुत डिसरिस्पेक्ट था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो लोग की रिलेशन के बारे में बहुत कुछ लाइक, सी आई डोंट नो उनका क्या रिलेशन है, वो जो भी है वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है द वे दे टॉक टू ईच अदर, और एक दूसरे पे चीज़ें फेंकना मुझे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो प्यार वाला रिश्ता हो या चाहे को कंटेस्टेंट हो, वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल मुझे लगा। दैट्स इट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट बिग बॉस प्लीज। मैंने अभी अभी देखना शुरू किया है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन हाँ हर एपिसोड के बाद मैं ट्वीट कर देती हूँ जो भी मुझे लगता है, बट येस इट्स टू अर्ली टू जज, टू अर्ली फॉर मी, क्योंकि मैंने ये देखा नहीं अब तक, अभी अभी शुरू किया है। सो लेट्स वेट, आप लोग भी यही हैं मैं भी यही हूँ, कुछ ना कुछ बात करते रहेंगे बिग बॉस के बारे में। थैंक यू।